नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीएम मनोज गुप्ता। स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। आज एक न्यूज जो है वो काफी सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप्स में जो है शेयर की जा रही थी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक चार्टेड अकाउंटेंट और एज वेल एज 404 एम्प्लॉइज के अगेंस्ट FIR जो है वो रजिस्टर कराई है। कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो CA है, चार्टेड अकाउंटेंट है, और जो ये 404 इम्प्लॉइज है, इनके अगेंस्ट जो है बोगस इनकम टैक्स रिफंड का जो केस है वो रजिस्टर्ड किया गया है कि इन्होंने फ्रॉडुलेंटली जानबूझकर गलत इंफॉर्मेशंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड की, और उसके बेसिस पर जो है अराउंड 15 to 16 करोड़ रुपीज के इनकम टैक्स रिफंड्स जो है वो रिसीव किए। और इवन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनको कहा भी था कि अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो आप अपनी रिटर्न्स को क्या कर दीजिए, रिवाइज कर दीजिए या फिर ITR U फाइल कर दीजिए, और ये जो पैसा आपने जो फ्रॉडुलेंटली रिसीव किया है इसको आप विद इंटरेस्ट वापस कर दीजिए। तो काफी सारे लोगों ने ITR U फाइल की और वो पैसा वापस कर दिया। अराउंड 56 करोड़ रुपीज कहा जा रहा है कि लोगों ने वापस कर दिया, लेकिन 15 to 16 करोड़ रुपीज उसके बावजूद भी रह जाता है। तो इन दैट सिचुएशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो है यह FIR जो है वो लॉन्च की और रजिस्टर कराई अगेंस्ट ए चार्टेड अकाउंटेंट, जो कहा जा रहा है कि इन प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व था, एंड अराउंड 404 इम्प्लॉयज के अगेंस्ट। तो पूरी न्यूज क्या है ये मैं एक बार आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और फिर इसके रिगार्डिंग मेरे क्या व्यूज हैं। प्रैक्टिकली हम लोग यही सिचुएशन डील करते हैं जब हम अपने ऑफिसेज में, जब हम प्रैक्टिसेस करते हैं, जब हम इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। और इवन अगर मैं बात करूं बाकी सभी टैक्स पेयर्स की, तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में भी ये सब चलता रहता है, जो इस पूरी न्यूज में सभी टैक्स पेयर्स के लिए रेलिवेंट है। जो भी लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, यह जो न्यूज है सबके लिए रेलिवेंट है। इसमें कहा गया है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वहां पर बोगस रिफंडेड रिफंड्स केसेस पाए गए हैं, जहां पर अराउंड 405 पीपल्स के अगेंस्ट जो है FIR रजिस्टर कराई गई है, इवन इंक्लूडिंग ए चार्टेड अकाउंटेंट। और यह जो FIR जो लॉन्च की गई है, रजिस्टर कराई गई है बाय दी इनकम टैक्स ऑफिसर, इसमें कहा गया है कि अराउंड 17-18 से लेकर 19-20 तक ये जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें अराउंड 16.72 करोड़ रुपीज के जो है रिफंड जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से क्लेम किए गए हैं फ्रॉडुलेंटली। इसमें यहाँ पर कहा गया कि इट हैज बीन एलिज्ड दैट ऑल द कल्प्रिट्स हैव टेकन मोर देन ₹4 लाख एज रिफंड बाय फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न्स। तो प्रैक्टिकली इन्होंने किया क्या, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल की और जो इनका TDS डिडक्ट किया गया था, उस टीडीएस को रिफंड क्लेम करने के लिए इन्होंने क्या किया, फेक डिडक्शंस क्लेम की। आप सबको पता है एक सैलरीड पर्सन के लिए जो डिडक्शंस है, लाइक हाउस रेंट अलाउंस की डिडक्शन है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन है, हाउस लोन रीपेमेंट की डिडक्शन है, हाउस लोन पर जो इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं उसकी डिडक्शन है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं उसकी डिडक्शन है। तो बेसिकली Chapter 6A की जो डिडक्शन है 80C से लेकर 80U तक, और जो रेलिवेंट हेड्स में जो हेड ऑफ इनकम्स होते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो इन सभी हेड्स ऑफ इनकम्स के अंदर भी रेलिवेंट डिडक्शंस और एग्जम्पशंस होती हैं। तो इन सभी ने किया क्या, फेक डिडक्शन। इनके केसेस में फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कोई LIC प्रीमियम पे नहीं किया, और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम का इन्होंने जो है 1,50,000 रुपीज की डिडक्शन क्लेम कर ली। तो यहां पर कहा गया कि द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो फाइल्ड वन कंप्लेंट अगेंस्ट द CA, जो कि इन प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व बताए जा रहे हैं। सच्चाई क्या है, कितना सच्चा कितना झूठ है, इसके जो है इसको हम यहाँ पर नहीं देख रहे हैं। मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली यह न्यूज क्या है, यह केस क्या है और इससे हम क्या सीख सकते हैं। तो इसमें कहा गया कि इट वाज फाउंड दैट ए लार्ज नंबर ऑफ सैलरीड एम्प्लॉइज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैव क्लेम्ड बोगस डिडक्शंस अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो लाइक जो है PDD, हेल्थ टूरिज्म एजुकेशन पुलिस, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, यूनिवर्सिटीज, इन सभी के जो एम्प्लॉइज हैं इन्होंने ये फेक डिडक्शंस क्लेम किए।
तो होता क्या है, जनरली जब हम प्रैक्टिस करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि एक सैलरीड पर्सन के लिए जो टैक्स सेविंग्स के जो ऑप्शंस है वो काफी कम है। तो जितने ऑप्शंस है तो उन ऑप्शंस में वो जनरली अपनी जो है सेविंग्स कर लेते हैं, और उसके बाद भी उनका एक अच्छा खासा टैक्स बन जाता है। फिर क्या करते हैं वो, उस टैक्स को बचाने के लिए कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, कुछ बोगस क्लेम्स करना शुरू कर देते हैं। बहुत बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, जब हम रिटर्न फाइल करने जाते हैं, हम कहते हैं किसी भी व्यक्ति से कि आपका इतना टैक्स बन रहा है, तो वो ये कहता है कि इतना टैक्स तो मैं डिपॉजिट नहीं करूंगा, इसके लिए आप एक काम कर दीजिए, आप डिडक्शन डाल दीजिए, आप ऐसा कर दीजिए, आप वैसे कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं, हम मना कर देते हैं कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसका रीजन है, आज तो आप कर दोगे, लेकिन आज की डेट में प्रैक्टिकली जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 360 डिग्री व्यू के साथ आपके इनकम टैक्स की जो रिटर्न्स है उनको प्रोसेस करता है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास होती है, आप सोच भी नहीं सकते वो इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास होती है। और ऐसे में अगर आप उन इंफॉर्मेशन को बाईपास करते हैं, स्किप करते हैं, और अपना दिमाग लगाकर आप क्या करते हैं, कुछ बोगस, कुछ फेक डिडक्शंस एग्जम्पशंस क्लेम करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिसेस आते हैं, और फिर आप वो टैक्स डिपॉजिट नहीं करा पाते हैं, और फिर क्या होता है, फिर ये सब होता है। अगर हम इन सब चीज को अगर मान लीजिए करना शुरू कर देंगे, तो होगा क्या, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिसेस मिलेंगे, नोटिसेस लेकर आप हमारे पास आओगे, और होगा क्या, फिर हम उन नोटिसेस के उल्टे सीधे जवाब देने में लग जाएंगे। तो अल्टीमेटली कोई डिडक्शंस, कोई एग्जम्पशंस जब आपके पास अवेलेबल है ही नहीं, तो आपको क्लेम करनी ही नहीं चाहिए। तो यहां पर कहा गया कि अराउंड 9,000 एम्प्लॉयज जो हैं, उन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को अपडेट किया है, और जो उन्होंने फेक या बोगस डिडक्शंस क्लेम कर जो रिफंड जो रिसीव किया था, अराउंड मोर देन 56 करोड़ रुपीज, उसको वापस भी कर दिया, लेकिन अराउंड 16 करोड़ रुपीज के रिफंड्स ऐसे थे जो उसके बावजूद भी वापस नहीं किए गए। तो ऐसे में क्या कहा, ऐसे में कहा गया कि एक FIR जो है उन टैक्स पेयर्स के अगेंस्ट, एंड ए चार्टेड अकाउंटेंट जो कहा जा रहा है कि इन सभी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, उनके अगेंस्ट FIR रजिस्टर की गई। तो यहां पर मेरी रिकमेंडेशन जो है टैक्स पेयर्स को भी एज वेल एज प्रोफेशनल्स को भी यही है कि अगर आज की डेट में आप किसी को सर्विस भी देते हैं, किसी क्लाइंट्स के लिए आप रिटर्न्स भी फाइल करते हैं, तो एज ए प्रोफेशनल ये आपकी ड्यूटी है कि आप जो भी डिडक्शन, जो भी एग्जम्पशंस आप उस क्लाइंट के लिए क्लेम कर रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट जरूर मेंटेन करें। अगर कोई क्लाइंट आपसे कहता है कि आप इतनी डिडक्शन क्लेम कर लीजिए, समय आने पर मैं आपको जो है ये सभी डिडक्शन जो एग्जम्पशंस हम क्लेम कर रहे हैं इनके डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दूंगा, अगर कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मांगा तब, तो बाद में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं आते। तो एज ए प्रोफेशनल आपकी ड्यूटी बनती है कि जब आप किसी क्लाइंट के लिए रिटर्न फाइल करते हैं, तो जो भी एग्जम्पशंस डिडक्शंस कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप फाइल कर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, उसका एक डॉक्यूमेंटेशन आपके पास जरूर होना चाहिए, ताकि कल को डिपार्टमेंट की तरफ से अगर कोई भी नोटिस भी आता है या कोई ऐसी एक्टिविटीज होती है, तो आप अपना पार्ट जो है वो बता सके कि आपने पूरे प्रोफेशनलिज्म के साथ जो है वो रिटर्न फाइल की है। अगर क्लाइंट ही आपको कोई फेक या कोई गलत डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करता है, तो इसमें आपकी गलती नहीं। और टैक्स पेयर्स के लिए मेरी जो एडवाइस है वो यही रहेगी कि कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपको इस तरह की एक्टिविटीज का सामना करना पड़े। देखिए, टैक्स इवेजन और टैक्स प्लानिंग दो अलग अलग बातें हैं। आप अपना टैक्स सेव कर सकते हैं, लेकिन कैसे, टैक्स प्लानिंग के जरिए, कानून के दायरे में रहकर। अगर आप कानून के दायरे से बाहर जाकर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज के जरिए अगर आप टैक्स जो है बचाते हैं, उसको कहा जाता है टैक्स इविजन। और टैक्स इविजन के लिए इनकम टैक्स के अंदर बहुत हार्ड प्रोविजन है, और इवन आज की डेट में आप देख भी रहे हैं कि कैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्शन ले रहा है, और कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए 360 डिग्री व्यू का जो है यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपकी इंफॉर्मेशन रहती है। तो ऐसी कोई गलती ना करें कि आप जो है इन सभी चीजों में जो है इन्वॉल्व हो जाए। और एक और सजेशन यही है कि कई बार लोगों को लगता है कि एक प्रोफेशनल आपसे जो है एक अच्छी फीस चार्ज करता है रिटर्न फाइलिंग के लिए, तो आप ऐसे में क्या करते हैं, आप कुछ ऐसे लोगों के जरिए रिटर्न फाइल करने की कोशिश करते हैं जिनको उस फील्ड की, उस सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज नहीं होती है, या फिर कई बार वो जो है इस तरह की प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और टैक्स बचाने के चक्कर में उल्टी सीधी रिटर्न्स फाइल करना शुरू कर देते हैं।
ऐसे में कोशिश कीजिए आप अपनी रिटर्न जो है किसी अच्छे प्रोफेशनल या किसी ऐसे अच्छे व्यक्ति से जिसका उस फील्ड में इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के अंदर आपको पता हो कि एक अच्छी नॉलेज है उसके पास और वो आपकी सही रिटर्न फाइल करे। तो यहाँ पर प्रोफेशनल एज वेल एज टैक्स पेयर्स दोनों के लिए ही जो है मेरी यहाँ पर एक एडवाइस है कि आप जो भी काम करें वो दायरे में रहकर करें, विद डॉक्यूमेंटेशन करें, इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना रहे। आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। और अगर आप जो है टैक्स प्लानिंग या फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, इनकम टैक्स जीएसटी टीडीएस के रिगार्डिंग आप जो है एक अच्छी नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग।